रोडवेज के मुख्य प्रधान प्रबंधक प्राविधिक नोडल अधिकारी गोरखपुर क्षेत्र जयदीप वर्मा द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया गया। इस दौरान नोडल अधिकारी जयदीप वर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 से सुरक्षा के संबंध में दिए गए निर्देशों के अंतर ही रोडवेज बसों का संचालन कराया जाए तथा निगम के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर राजशेखर के द्वारा जारी मानक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रत्येक बसें पूर्णतः सैनिटाइज होने के उपरांत ही मार्ग पर भेजी जाएं और प्रत्येक परिचालक प्रत्येक यात्री को सैनिटाइज उपलब्ध कराएगा और निर्देशित सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बगैर मास्क पहने हुए किसी यात्री को यात्रा नहीं कराई जाएगी। इस दौरान नोडल अधिकारी जयदीप वर्मा द्वारा प्रवासी मजदूरों छात्रों को कोरोना संक्रमण से लड़ते हुए उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाने वाले चालक परिचालक सहित अन्य विभागीय कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोडवेज के मुख्य प्रधान प्रबंधक प्राविधिक नोडल अधिकारी गोरखपुर क्षेत्र जयदीप वर्मा ने कहा, मतलब जो कोने में आप जी रखे हैं लाइए यूपी से बन गई थी इक्यासी बार ताप्ती नगर डिपो। कौन सा डिपो है? डिपो ताप्ती नगर। ऐसा है जो भी रिपोर्ट आएगी इस पे उसकी कटौती होनी चाहिए 200 रुपए लेते जो भी कुछ करना तुरंत ड्राइवर की भी कटौती करिए और उसी का भी सही है उसकी एसी बस 59 एसी में 42 सीटर जी चलिए तो उसमें यही था गाड़ी में सवारी चलो उसकी बात क्या कर रहे थी देखिए तो अच्छा काम जो मुख्य बात है जो हम कहना चाह रहे हैं टोटल जिस्ट ये है कि अगर वाहन में को भी खतरा है परिचालक को भी खतरा है चालक को भी खतरा है तो सुरक्षा मानकों का पूरा होना और दो टीआई सीट पर जाकर या पहले से नीचे बना दे ये तभी गलती ना करे कि वो बैठा रहे और यात्री खाली मौके लेकर बना गाड़ी में सैनिटाइजेशन से हो रहा हो मतलब ये हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हैं गाड़ी साफ सुथरी धुली हुई हो प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट पड़ा हुआ हो इस तरह की सारी चीज़ें आवश्यक हैं और चालक परिचालक का मास्क का होना यात्रियों के मास्क का होना ये बहुत ज़रूरी है इसमें कोई भी समझौते की आवश्यकता नहीं है कारण यह है कि दो तीन चीज़ें हमारी सुरक्षा भी होती है और यही चीज़ें यात्रियों के प्रति हमारे विश्वास को भी बढ़ाती हैं तो इसलिए ये ध्यान रखें कि इन चीज़ों में कभी भी कोई कमी ना होती एक बात और जो बताई गई ये गाड़ी में स्टैंडिंग सवारी नहीं होनी चाहिए स्टैंड कर दीजिए ठीक है ना उस जनरेटर वो चीज़ बहुत आवश्यक है इसमें परिचालक को ड्यूटी के समय हैंड ग्लव्स पहने रहे हैंड ग्लव्स सबको इशू किए जाते हैं और अगर वो नहीं पहन रहा है तो आप उसकी रिपोर्ट देंगे हम लोग का विभाग का सबका नाम रोशन किया हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और मैं बधाई देता हूँ मनोज मणि जी आपने बहुत अच्छा काम किया इधर देखिए सर चार दिन काम किया आपके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आभार व्यक्त करता हूँ विभाग की तरफ से आपने बहुत अच्छा काम किया इसके लिए आप सभी आभारी हैं शुभकामनाएं नायक जी हमारे परिचालक हैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने बहुत मेहनत से कार्य किया है इसके लिए विभाग की ओर से आभार व्यक्त करते हैं धन्यवाद सहायक मैकेनिक जी हैं हमारे इन्होंने रात दिन काम किया इस दौरान मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका विभाग की तरफ से और शुभकामनाएं देता हूँ आपको धन्यवाद सामने करता हूँ अगर बहुत
समय बहुत ज़्यादा आपको बधाई, विभाग की ओर से आभार, आपने मेहनत की, हम सभी आपका, आपने बहुत मेहनत की, विभाग की ओर से हम सब की ओर से आपको शुभकामनाएं, बधाई, विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, आपके पुरस्कार की आपने उसके लिए बहुत अच्छा, थैंक यू मोहम्मद रहमान, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद, हम विभाग की ओर से आभार व्यक्त करते हैं आपकी सेवाओं के लिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपके अच्छे काम के लिए, हम सब आभार व्यक्त करते हैं, बहुत शुक्रिया, आइए जल्दी आइए। देखिए अभी नोडल अफसर होने के नाते मेरा दौरा दो दिन का था, कल भी मैं बस्ती में गया था, बस्ती में हमने संचार वहाँ की दशा देखी, डिपो की, बस स्टेशन की, बसों की वहाँ पे, उसके बाद फिर हम कल यहाँ बैठक ली थी, हमने सारे ARM हमारे थे और उपाधिकारी थे, फोरमैन थे, SSI, मुख्य रूप से हमारा दो इशू है, एक तो हमारी कुछ सवारियाँ इस समय कम निकल रही हैं, थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से जब खुला है लॉक जब से 1 जून से, तो सवारी उतनी अपेक्षाकृत नहीं आ पा रही, लोगों को थोड़ा इसमें भय टाइप का था, तो हमारा ये है कि हम परिवहन निगम ने सैनिटाइजेशन हर बस का करा जा रहा है, हर बस को हम लोग विधिवत रूप से निकलते वक्त सैनिटाइज करते हैं, परिचालक चालक हमारे हमेशा उनको मास्क दिया जाता है, हैंड ग्लव्स देते हैं, साथ में एक सैनिटाइज़र वो रखते हैं, सैनिटाइजिंग लिक्विड जिसको कि हर यात्री को सैनिटाइज करते हैं उनको देते हैं, उसके बाद यात्री यदि कोई भी मास्क नहीं पहने होंगे तो वो बस में हम बैठने पे मना कर देते हैं, ये हमारा वो है। दूसरा, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, हर बस स्टेशन पे यात्रियों को हम लोग थर्मल स्कैनिंग करते हैं, यदि किसी का कोई वो है तो उसको जिला कंट्रोल रूम में तत्काल सूचना दी जाएगी, ऐसा कोई यात्री जिसको फीवर हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो बॉडी का, उसको बस में नहीं बैठने दिया जाए, ये सभी स्टेप हमको सुनिश्चित करने हैं, पुनः इस बारे में मैंने सचेत किया था सारे लोगों को, आज भी हमने बैठक की है, हमारे जो TITS है उनको भी बताया गया, प्रवर्तन स्टाफ, कि आप भी इस चीज़ को देखेंगे, बसों की दशा, सफाई धुलाई, सैनिटाइजेशन, मार्ग पे क्या हो रहा है उसके बारे में आप इसको नियमित रूप से परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, बस से यात्रा करते हैं उनसे भी कुछ अपील करना चाहेंगे जी, बिल्कुल, हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि जो भी यात्री हमारी बसें पहले सुरक्षित की जा रही हैं, जो कि अन्य प्राइवेट बसें या अन्य प्रकार की बसें हैं वहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है और ना उसमें सैनिटाइजेशन होता है, परिवहन निगम इसमें करोड़ों रुपए व्यय कर रहा है अपना, इससे कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, हम लोग उस पर इनकी बस को निरंतर हर 6 घंटे पे, यहाँ से मान लीजिए बस आगरा जा रही हो या दिल्ली जाती है तो वहाँ पहुँचने के बाद पुनः सैनिटाइज होती है, उसके बाद ही बस मार्ग पे चलती है, वापस आती है, तो हमने यही हम यात्रियों से अपील है कि परिवहन निगम की सेवाएं बहुत सुरक्षित हैं, हमारे कर्मचारी अधिकारी सब ट्रेंड हैं, इसमें सजग हैं, आप हमारी बसों से यात्रा करें। परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक उपलब्धि रही है कि हमने जो लॉकडाउन पीरियड था इसमें, लॉकडाउन में हमने निरंतर जो है श्रमिकों को, बाहर से आ रहे प्रवासी श्रमिक हो गए, स्टूडेंट हो गए, अन्य यात्री हैं, उनको हम अपने जनपद घरे जनपद पहुंचाया, लगातार हमने 32,800 यात्रियों को उस दौरान हमने निःशुल्क सेवा प्रदान की, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, ये एक इतिहास हो गया है उत्तर प्रदेश राज्य का, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का, जो कि किसी प्रदेश देश भर में किसी भी निगम द्वारा नहीं किया गया, किसी भी सरकार नहीं कर पाई, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी चालकों, परिचालकों, कर्मचारियों, अधिकारियों का, हमारे MD डॉक्टर राजशेखर, हमारे माननीय मंत्री जी, उन्होंने डॉक्टर अशोक कटारिया जी, उन्होंने भी इसमें हमारा बहुत मनोबल बढ़ाया और उसको मार्गदर्शन दिया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों का हम लोगों ने पूरी तरह पालन करके और एक इतिहास रचा, जिसके लिए अभी भी ऐसा कहीं किसी प्रदेश द्वारा सेवाएं प्रदान नहीं की गई, निःशुल्क यात्री हमारे जितने भी भाई, हमारे साथी भाई जितने आए बाहर से, सबको हमने उनके गृह जनपद में पहुँचाया, रात दिन हमारे कर्मचारी अधिकारी इसमें लग करके सेवा की गई, सैनिटाइज बसों को हमने उनको प्रदान किया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, मैं इसमें आभार व्यक्त कर रहा हूँ अपने सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का, आज हम कुछ हमारे जो उत्कृष्ट सेवा करने वाले चालक, परिचालक और साथी, उनको हम सम्मानित करेंगे, आज प्रशस्ति पत्र भी हम लोग देंगे।